यह ऑटोमेटिक स्विंग मशीन है। इसका एक मैनुअल वर्जन भी आता है। इसे आप टाइप सी चार्जर से ऑपरेट भी कर सकती हैं। बैटरी ऑपरेटेड है। ऑनलाइन मैंने कुछ रैंडम प्रोडक्ट को परचेस किया है जो कि मुझे इस प्राइस पॉइंट पर सही लगे। और भी प्रोडक्ट हैं जिसे मैंने इस लिस्ट से अलग कर दिया है। इन प्रोडक्ट्स को आज हम चेक करेंगे। इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला जो प्रोडक्ट आता है वह आता है BA6 LED। देखिए, अगर आप एक रूम सेटअप करने वाले हैं जहां पर आपको RGB लाइट्स की रिक्वायरमेंट है तो यह एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। साइज में कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ इसे रिमोट के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप पर्टिकुलर रेड कलर चाहते हैं या ब्लू कलर चाहते हैं या फिर ग्रीन कलर चाहते हैं तो रिमोटली आप इसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आप फ्लैशिंग मोड में चलाना चाहते हैं तो आप यह भी कर सकते हैं। हमने अपने बैकग्राउंड में भी इसी तरह की LED को सेट किया है। इसके अलावा एक प्रोडक्ट और हमें मिला है जो कि अभी सिर्फ फेस्टिवल टाइम पर ही आपको मिलेगा। यह एक 6 LED है जो कि DC LED है, मतलब इसे आपको मोबाइल के चार्जर के द्वारा ऑपरेट करना है। यहाँ पर आपको एक टाइप सी केबल मिलती है जिसके माध्यम से आप इसे ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों LEDs में मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर जब आप इस LED को ऑन करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर बॉक्सेस बनते हैं। पीछे साइड यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। ऑन होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह के आपको स्क्वायर बॉक्सेस दिखाई देते हैं। पैटर्न आपको सेम मिलेगा 6 LED के जैसा, पर यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर आपको जो दिखने मिल रहे हैं वह यह स्क्वायर बॉक्सेस हैं। ड्रॉबैक मुझे इस प्रोडक्ट का यही लगा कि इसमें आपको रिमोट नहीं मिलता है तो आप मैन्युअली इसे ऑपरेट नहीं कर सकते। लिस्ट का नेक्स्ट प्रोडक्ट है यह मैजिक ब्रश। अमेजोन पर बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। इस प्रोडक्ट को हमने भी अमेजोन से ही मंगाया। 5-in-1 मैजिक ब्रश है। बॉक्स के ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि टाइल पर आप इसे यूज कर सकते हैं, सिंक में इसे यूज करते हैं, वॉश बेसिन। यहाँ पर अभी जो इंसर्ट है हमारा टूल वह है यह ब्रश। यह बैटरी ऑपरेटेड है और पीछे साइड यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिसके माध्यम से आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो आप अलग अलग जगह पर इसे यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान आपको यह रखना है कि यह प्रोडक्ट वाटरप्रूफ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका जो ब्रश है वही सिर्फ पानी के अंदर हो, बाकी जो प्रोडक्ट है वह बाहर होना चाहिए। ब्रश के अलावा यहाँ पर आपको एक स्पॉन्ज मिलता है जिससे आप चाहें तो और क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कार या बाइक को वॉश कर रहे हैं तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक यहाँ पर पॉलिश के लिए भी टूल दिया गया है, तो स्पॉन्ज के ऊपर आप कुछ इस तरह से इसे लगा सकते हैं। मतलब बैटरी ऑपरेटेड होने का इसका बेनिफिट यह है कि पोर्टेबल है, आप किसी भी जगह पर इसे ले जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 4 AA बैटरीज डली हुई हैं, तो अगर आप इन बैटरीज को यूज़ नहीं करना चाहते तो रिचार्जेबल बैटरीज को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट आता है वह आता है यह ऑटोमेटिक स्विंग मशीन। अब इस पर्टिकुलर मशीन के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है और ज़्यादा मैंने इसे यूज़ भी नहीं किया है, बट अमेजोन और मीशो पर बहुत ज़्यादा सेल हो रही है तो मैंने इसे ऑर्डर किया है। कुछ इस तरह के यहाँ पर आपको टूल देखने मिलते हैं। यह एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि बैटरी द्वारा ऑपरेट होती है। यहाँ पर भी आपको 4 AA बैटरी को इंसर्ट करना होता है। चाइल्ड लॉक को हम अलग करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से यह स्विंग मशीन काम करती है। अगर आप भी अपने घर में कपड़े को सिलना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट को आप एक बार ज़रूर चेक करें। अच्छा, यह एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसे ऑपरेट किया जाता है बैटरी के द्वारा। इसमें एक मैनुअल मशीन भी आती है जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है। यह स्टेपलर स्टाइल में होती है जिसे मैन्युअली आपको प्रेस करना होता है। तो अगर आप चाहें तो टेस्टिंग पर्पज से आप इस मशीन को भी खरीद सकते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका रिव्यू भी बताएं कि किस तरह से यह प्रॉपर मशीन काम करती है, क्योंकि मैंने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं वह आता है यह होल्डर। तो होल्डर तो आपको मार्केट में बहुत सारे मिलेंगे, बट यह एक मेटल होल्डर है। तो अगर आप अपनी बाइक के लिए एक बेहतरीन होल्डर देख रहे हैं तो यह आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर आपको जो ग्रिप मिलता है वह बहुत ज़्यादा हैवी ग्रिप है, मतलब किसी भी कंडीशन में मोबाइल आपका इस होल्डर से अलग नहीं हो सकता। 360 डिग्री आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं और बिल्ड क्वालिटी इस होल्डर की काफ़ी हैवी है। इसके अलावा मैंने एक होल्डर को और चेक किया जो कि एक्स ग्रिप होल्डर है। हालांकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वह मेटल के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यह मिल जाता है कि आपको USB पोर्ट मिलता है, तो डायरेक्टली आप इसे बैटरी से अटैच भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं तो इस होल्डर में ही आपको USB पोर्ट मिलता है जहाँ पर आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट आया है वह है यह एक एडजस्टेबल फ़ैन। यह एक एडजस्टेबल फ़ैन है और मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका लुक पसंद आया है। यह ट्राइपॉड स्टाइल में है, तो आप चाहें तो आप इसकी हाइट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 यहाँ पर डिफरेंट स्पीड मोड मिल जाते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इन्हें एडजस्ट कर सकती हैं। मतलब बहुत ही कम स्पेस में आप इस फ़ैन को रख सकते हैं।
साथ ही साथ अगर आप चाहें इसे मोबाइल के स्टैंड के जैसा यूज करना तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल फोन को भी रख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हमको जो फैन मिला है यह कहीं ज्यादा पावरफुल फैन है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बैटरी मिलती है इसके अंदर वह मिलती है टोटल 4000 mAh की। मैंने इस फैन को रेगुलर यूज किया है, काफी अच्छा हमें रिजल्ट मिला है। 3 से 4 घंटे का इस फैन का रेगुलर बैटरी बैकअप है। यहाँ पर आपको टॉर्च मिल जाती है और स्पीड कंट्रोल के यहाँ पर भी आपको 3 मोड दिए गए हैं, तो अगर आप चाहें तो इन पोर्टेबल फैंस को भी आप जरूर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो आप इस फैन के हेड को भी एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार भी रख सकते हैं। जो भी इन प्रोडक्ट्स का बेस्ट रेट होगा वह मैंने निकाल के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार जरूर चेक करें। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ पर यह प्रोडक्ट आता है वायरलेस माइक्रोफोन। आज की डेट में अमेजोन पर, मीशो पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया है। यह एक वायरलेस माइक्रोफोन है जो इसलिए सेल हो रहा है क्योंकि आप इसे टाइप सी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप इसे डेस्कटॉप या लैपटॉप से ऑपरेट करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे आईफोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको माइक्रोफोन देखने मिलता है, तो यहाँ पर क्लिप अटैच है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल यूनिट मिलती है जो कि टाइप सी है। अगर आप इसे टाइप सी मोबाइल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप आईफोन के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक कनेक्टर भी मिलता है जो कि लाइटनिंग टू टाइप सी कनेक्टर है, तो आप इसे आईफोन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम इस वीडियो के नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। यह एक गेमिंग स्पीकर है और यह एक RGB कीबोर्ड है। दोनों ही प्रोडक्ट्स को मैंने चेक किया है तो इस बजट में 500 रुपये के अंदर में आपको यह स्पीकर और कीबोर्ड मिलते हैं। कीबोर्ड आपको RGB मिलता है और जो बिल्ड क्वालिटी है वह काफ़ी अच्छी है। स्पीकर में आपको RGB लाइट्स देखने मिलती हैं। बेस एंड ट्रेबल की जो क्वालिटीज़ है वह एवरेज है, बट हाँ इस रेंज में ये सूट करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका बेस्ट बाइंग लिंक दिया हुआ है, जहां से आप उसे डिटेल में चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।